الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام برادران عزیز سرکار و دربار حسینی میں ہم قرآن حکیم کی روشنی میں اسلام شناسی کا سفر طے کر رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام اس در کے علاوہ کہیں اور پہچانا بھی نہیں جا سکتا اسلام کا سب سے معتبر حوالہ اب حسین قرآن حکیم کی جس آیت کو میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کا ایک مختصر حصہ رب کریم کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بر بس اسلام ہے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس آیت کا جو ظاہری منطوق ہے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اس آیت سے اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اسلام کو دوسرے ادیان کے برابر میں رکھ کے مطالعہ نہ کریں کیا کہنے اسلام ہی دین ہے اس کے مقابلے میں کوئی دین ہے ہی نہیں باقی بہت سے مذاہب ہیں مسالک ہیں ان کو دین کا نام دیا جاتا ہے مگر وہ دین ہے نہیں مجھے یاد آتا ہے ایک قطعہ تاریخ میں مولا متقیان مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک مقام پر فرمایا ہے ہائے دنیا کو کیا ہو گیا ہے مجھ کو اتنا گرایا کہ اب میرا مقابلہ فلاں اور فلاں سے کیا جاتا ہے یہی صدائے حال آج اسلام کی یہی صدائے حال آج اسلام کی ہے کہ اسلام کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اسلام بھی اس دین جیسا ہے اور اس دین جیسا ہے
इस्लाम इस्लाम है और इस्लाम ही दीन है, और इसलिए इस्लाम ही दीन है कि इसने इंसान की चश्म हकीकत जू को जलवे हकीकत की तरफ मुल्तफित किया। इस्लाम में कोई मुबहम अकीदा नहीं पेश हुआ है, इस्लाम में रोशन हकीकतें पेश हुई। ये बहस बहुत पेचीदा भी है, बहुत अमीक भी है, बहुत वसी भी है, और घर घर एक एक फर्द तक ये बहस पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए। सवाल पैदा होंगे, आप अपने पूरे निज़ाम अफकार और निज़ाम अमाल का जायजा लें तनकीदी निगाह से कि क्या चीज हकीकत है और क्या चीज हकीकत नहीं है। इश्तबाहात पर, जहालतों पर, गलतियों पर, तासुबात पर मबनी, तवहुमात पर मबनी अकायद की कोई हैसियत नहीं। यही पैगाम पूरी 10 मजलिसों में अगर यही एक पैगाम रासिख हो गया आपके जहन में तो मेरी मेहनत सुवारत हो गई। तवहुमात की कोई गुंजाइश आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। आपको हक बी, हक जू, हक शनास और हक परस्त होना चाहिए। मैंने अर्ज किया था आपके सामने कि अकायद हकीकत पर भी मबनी हो सकते हैं, तवहुम पर भी मबनी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत हकीकत ही होती है। अकायद मुख्तलिफ सहारों की तलाश में रहते हैं, हकीकत खुद अपने पैरों पे खड़ी है। हकीकत को किसी गैर के सहारे की जरूरत नहीं। हकीकत की सल्बी तारीफ वो थी जो मैंने अर्ज किया था कि हकीकत वो है जिसका इल्मी सतह पर, इल्मी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी एक तारीफ है हकीकत की, अलबत्ता सल्बी तारीफ है। ईजाबी तारीफ यह कि हकीकत अपने ही पांव पे खड़ी होती है, हकीकत आप अपना सबूत होती है, हकीकत आप अपनी दलील होती है, हकीकत में मांगे का उजाला नहीं होता। हकीकत खुद रोशन और ताबनाक होती है, हकीकत खुद भी रोशन होती है और दूसरी हकीकतों को भी रोशन करती है। हकीकत रोशन भी होती है, ताबनाक भी होती है, ताबकार भी होती है, और इसी से हकीकतों से बातिल कुव्वतें डरती हैं। कि हकीकत की सिफत यह है कि खुद भी रोशन होती है और दूसरी हकीकतों को भी रोशन करती है। जब हकीकत होगी खुद भी रोशन होगी, दूसरी हकीकतों को भी रोशन करेगी, और जब हकीकतें रोशन होंगी तो जो हकीकतें नहीं हैं। वो आप अपनी मौत मरने लगती है। क्या बात।
50 चली आ रही है उसमें बहुत कुछ तब्दीली की जरूरत है। ये नतीजे के पहले अकीदा इंट्रोड्यूस कीजिए फिर इस्तेदलाल पेश कीजिए। हाँ, इब्तदाई बच्चों के लिए प्राइमरी की सतह तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर उठकर नहीं, पूरा कुरान देख लीजिए। कुरान ने इंसान के जहन को झिझोड़ा, जमीर को बेदार किया, उसकी आंखों को हमेशा खोलने की दावत